बेटियों के उत्थान और कल्याण को लेकर केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना धरातल पर बेटियों के सपने साकार करने का जरिया बन गई है। पेश है इंदौर से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। बालिकाओं को संरक्षण और सशक्त करने के उद्देश्य से शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के इंदौर जिले में सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। इस योजना के तहत जहां बालिका शिक्षा के उन्नयन हेतु प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं बालिकाओं को शोषण से बचाने और उन्हें सही गलत के बारे में अवगत कराने के लिए इंदौर में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इंदौर जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत मेधावी छात्राओं को स्कॉलरशिप के लिए चयनित किया गया है, जिन्हें आगे बेहतर शिक्षा के लिए वित्तीय मदद दिए जाने का प्रावधान है। योजना के तहत स्कॉलरशिप में अपना नाम आने से छात्राएं काफी खुश हैं। शिक्षा के साथ साथ बेटियों को अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ाने और उनकी इसमें भागीदारी को सुनिश्चित करने में भी प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने इसमें बहुत मदद की है, हमें बहुत सारी फ्री बुक्स मिली हैं, फ्री ड्रेस मिली है और हमें सरकार ने बैंकों में पैसे देने की सुविधा करी है और बहुत सारी स्कॉलरशिप चलाई है जिसके कारण हम हमें आगे की पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं और जो हमें बनना है वो बन सकते हैं। सरकार शिक्षा व्यवस्था अच्छी कर दी है और उससे शिक्षा पे लोन भी मिलता है, एजुकेशन लोन बोलते हैं जिसको। बैंकों ने भी इसमें बहुत सहायता करी है और इसमें सबसे ज़्यादा सहायता सरकार ने करी है। स्कूल में हमें स्कॉलरशिप की सुविधाएं दी जाती है कि जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कई तरह की योजनाएं बेटी बचाओ जैसी योजनाओं में हमें कई प्रकार का लाभ दिया हैगा। हमें इससे स्कॉलरशिप मिलती है, तो हमें स्कूल में निःशुल्क सुविधाएँ मिलती है कि पढ़ने लिखने की कॉपी किताबें मिलती, इससे हमारे घर की आर्थिक जो स्थिति उस भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हमें फ्री में है ना कॉपी किताबें मिलती हैगी तो हमें इससे पढ़ने में भी आसानी होती हैगी। बेटियों को बाहर भेजना चाहिए ताकि वो पढ़ लिख सके, किसी से कम ना हो। अगर कल को कहीं बाहर जाए अकेले तो खुद अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन खुद निकाल सके, किसी पे निर्भर ना हो। छोटे छोटे गाँवों में भी सरकारी स्कूलों में भी बहुत सारी सुख सुविधाएँ मिलती है। ऐसा नहीं है कि गाँवों के सरकारी स्कूलों में कुछ सुख सुविधाएँ नहीं है, जितनी हमारे यहाँ पे इतनी वहाँ पे भी होती है। आजकल तो सरकार हर एक गाँव में जा जाके देखती है कि कहाँ व्यवस्था है या नहीं है, और हम इसके बारे में अगर हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम संपर्क भी कर सकते हैं हमारे नगर निगम में। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान शुरू हुआ था, जब से मतलब बहुत सारे चेंजेस हुए हैंगे। मतलब लड़कियां आजकल पढ़ रही हैगी, लड़कों से ज़्यादा लड़कियां जा रही है आगे। मतलब भेदभाव धर्म जाति इन सबका मतलब इससे कोई भेदभाव नहीं होता है पढ़ाई का, मतलब सभी को पढ़ाना चाहिए। जिस वजह से माता पिता भी मतलब सपोर्ट करते हैंगे हर कि नहीं हमारी बेटी को पढ़ाएं। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अंतर्गत हमारे माध्यम से इस अभियान के अंतर्गत तो केवल हम लोग उनको ट्रेनिंग समझाइश और जानकारियां देते हैं। इसका लक्ष्य नहीं है मैक्सिमम हम कितना कर सकते हैं इस एक साल में, वो निर्भर उस पर करता है। हमारे पास जो भी स्टाफ है उस हमले के द्वारा हम प्रतिदिन कहीं ना कहीं किसी न किसी स्कूल में किसी न किसी संस्था में इस प्रकार का कार्यक्रम करते हैं जहां पर हम उनको पूरी जानकारी दे सकें।